नमस्कार, शुभ सकाळ। महेन्द्र तनया सहित मुँ स्वप्ना। आमेरिकार उपराष्ट्रपति कमला हारिस सह कथा हेले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। भारत को कोविड महामारी सह लड़ापाई टीका जोगाई देवाई आमेरिका सहयोग हाथ बढ़ाई थी धन्यवाद जनाई प्रधानमंत्री। कमला हारिस सह आलोचना संपर्क प्रधानमंत्री ट्वीट देवास प्रवासी भारतीय मानक भारत को सहयोग प्रशंसा कर मोदी। मोदी कहते आमेरिकार उपराष्ट्रपति वैक्सीन सहयोग सहित कोविड परवर्ती स्थित में विश्वर स्वास्थ्य तथा आर्थिक पुनरुद्धार पर उभय देश मिलित भाव काम करे आशा व्यक्त कर। भारतर विदेश मंत्री एच जयशंकर आमेरिका जाई से देशर कोविड प्रतिषेधक टीका प्रस्तुत आवश्यक कंचामाल आणवार व्यवस्था कर। कोविड प्रथम पर्यायर भारत आमेरिकार खराब समय पर्याप्त परिमाणर हाइड्रोक्लोरीन औषध जोगाई देथिबारु बाइडेन प्रशासन भारत को विपदर बंधु बोली विचार करुथुबा आमेरिकार अधिकारी माने प्रकाश करथिले। टीका तयारी पई कंचामाल समेत आमेरिकारु भारत को टीका जोगाण आम देश को कोविड विरोध लड़ाई रे बेस सहायक हेबो बोली कहिसेंती। ना छात्र ना अभिभावक काहाकु जणाइ नथिला हठात प्रधानमंत्री मोदी सेमानंक सह वर्चुअल आलोचना रे भाग नेबे बोली। प्रधानमंत्री उभय छात्र आउ अभिभावक मानंक सह परीक्षा आउ सेमानंक क्यारियर विषय रे आलोचना करिसेंती। वर्चुअल आलोचना रे पीएम मोदी को सरप्राइज एंट्री। छात्र छात्री को परीक्षा आउ क्यारियर को नै कले आलोचना। छात्र छात्री अभिभावक को द्वंद दूर कले। ना छात्र ना अभिभावक काहाकु जणा नथिला हठात प्रधानमंत्री मोदी सेमानक सह वर्चुअल आलोचना रे भाग नेबे बोली। प्रधानमंत्री केवल आलोचना रे भाग नेलेनी बरं उभय छात्र आउ अभिभावकक सहित परीक्षा व पिलांक कैरियर को नै विस्तृत भावे आलोचना कले। गुरुवार अपराह्नरे केन्द्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होइथिला सीबीएसई बोर्ड रो एक वर्चुअल बैठक जेउथरे भाग नेथिले केन्द्र शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वादश श्रेणीर किछि छात्र छात्री एवं सेमानक अभिभावक। परीक्षा बातिल प्रसंगे आलोचना चलिथबा बेले हठात बिना सूचना रे सेमानक सह जोग देथिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां समस्तक आश्चर्य करथिला। सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि इट्स लाइक जस्ट अ ड्रीम कम ट्रू। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब आपसे ऐसे मुलाकात होगी। और सर, आपको एक थैंक्स बोलना चाहूंगी कि आपने जो भी डिसीजन लिया वो एकदम सही लिया है, क्योंकि हम 1.5 साल हो गया था हमें प्लस टू के बच्चों को कि वो सिर्फ प्लस टू में ही थे, मतलब उनकी जिंदगी रुक सी गई थी, कुछ डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी और कुछ रिटार्डेशन भी नहीं हो रही थी। तो सर, जो आपने डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगी सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ, प्रधानमंत्री उभय छात्र छात्री एवं सेमान को अभिभावकों सहित आलोचना करने सहित स्थगित परीक्षा एवं सेथिपाई किभली सेमाने चिंतित से विषय रे कथा हेले। नकारात्मक चिंताधारा स्थान रे देशर छात्र छात्री सब कष्ट एवं चैलेंज को निजर शक्ति रे परिवर्तन करि पारंती बोली प्रधानमंत्री कहिथिले। मेरा ये विश्वास और दृढ़ हुआ है कि भारत का युवा पॉजिटिव भी है और प्रैक्टिकल भी है। नेगेटिव थॉट्स की जगह आप लोग हर डिफिकल्टी और चैलेंज को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ये हमारे देश के युवाओं की एक विशेषता है। मुझे विश्वास है कि हम सब नौजवान इस समय का मैक्सिमम सदुपयोग करेंगे। इस कोरोना कालखंड में जैसे वैक्सीनेशन करना है, आपके परिवार में भी कुछ लोग होंगे जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनका रजिस्ट्री वगैरह करने का काम आप कर सकते हैं। अगल बगल के लोगों की रजिस्ट्री करवा करके काम करोगे। और जब भी जैसे जैसे वैक्सीन आती जाएगी, वैक्सीन लोगों को मिलती जाएगी, तो सेवा के भाव से भी जरूर किसी न किसी काम से जुड़िए। प्रधानमंत्री का सह आलोचना बेस आशा एवं आश्वासना देइतिबा पिला व अभिभावक मत प्रकाश करिसेंती। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज। कोरोना टीकाकरण भितरे आउ गोटे खुशी खबर सामना को आसी। खूब शीघ्र देश पाइबा को जाउछि आउ गोटे मेड इन इंडिया वैक्सीन। 30 कोटी डोज कोरोना टीका पाई हैदराबाद स्थित टीका निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई सहित डील करिसेंती केंद्र सरकार। एथिपाई अग्रिम आकार रे देबे 1500 कोटी टंका। ए वैक्सीन अगस्ट टू डिसेंबर भितरे बायोलॉजिकल ई द्वारा प्रस्तुत करी संरक्षित रखा जिवो।
प्रथम और द्वितीय पर्याय टीका ट्रायल रु सफल मिली यहाँ तृतीय पर्याय परीक्षण जारी रखी बायोलॉजिकल ई तबे आगामी किछि मास भितरे एहा टीका उपलब्ध हेबा नै आशा करा जायछि। एबे देशरे भारत बायोटेक द्वारा प्रस्तुत कोवैक्सीन और सेरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोरोना टीका कोविशील्ड दिया जाउछि। टीका उत्पादन क्षमता को बचाइबा पई सरकारक यथा संभव पदक्षेप ग्रहण करछन्ति। अनेक विदेशी कंपनी कोविड टीका भारत में पहुंचा नहीं केन्द्र सरकार तरफ तत्परता जारी रही। एभली परिस्थिति में बायोलॉजिकल ई रो कोरोना टीका नुआ आशा संचार करिछि। वर्तमान बुलेटिन रे समय होइछि एक छोट ब्रेक रो। ब्रेक परे बुलेटिन को स्वागत। कांदुची चासी केउठी टोकन टेंशन तो केउठी कटनी छटनी रो शिकार हेउची चासी। अन्य केउठी अदिनिया वर्षा रे उजुड़ी जाइची चासी रो परिश्रम। राज्य रे विभिन्न स्थान रो आसिला समान दृश्य। केबे दूर हेबो चासी रो दुख ताहा बे बड़ प्रश्न। बढ़ुची मंडी जंत्रणा थमुनी चासी रो दुर्दशा। केउठी मंडी रु धान उठुनी तो केउठी अदिनिया वर्षा रे भिजुची चासीर परिश्रम। पूर्वठु पश्चिम चारिएडु आसिला समान दृश्य। ए दृश्य हुची पीपिलिर समवय समिति सेक्रेटरी को बेपार मनोभाव जोगु मंडी रु उठुनी धान मिलर धान न उठैबा जोगु निराश होईची चासी। एटी वर्तमान मिलर धान आम सोसाइटी रु नबा कथा नउना दि जोटा सरकार को विधि व्यवस्था अछि। एठी लोक गदैकिरी अपेक्षा कला परे बाध्य होई कि से कहते मुझे उठेबिन लोक वर्षा केमती हम लघुचाप आड़े मौसम वर्षा एम सब चलती मोर का धान गला भितर मंडी की से फेरदे मत अश्लील भाव में गाड़ी गोलज कले मिलर माला मेसेज आसाला मोर 24 तारीख आगे से ही टोकन जो जेहेतु आम एस बात्या एस बात्या दु दिन घुंचा है से दुई दिन पर 27 तारीख ये आदेली धान धान गदेला तापर जमी न आईले का 31 तारीख पर्यंत मुझे दिन आज खरा काकर खोई रही राज्य सरकार को एतिक अनुरोध करती ये कथार जो समाधान न जाए आम चाषी आम राज्यवासी खाया दूचु आमको धक्का मरा जा मिल धक्का मारूँ ये कथा केूर ठीक से विचार करूँ राज्य सरकार नवीन बाबू अनुरोध समान दृश्य देखा मिली। झारसुगुड़ा जिले में जटिल टोकन व्यवस्था को विरोध कर जिलार शह शह चाषी पंजीकरण पर मिलूनी टोकन जहाँ को नहीं असंतोष प्रकाश कर कृषक संगठन। गत वर्ष खरीफ रवि सीजन रे सरकार किसी व्यवस्था कले कि लगे इवर्ष जेन आरआर पॉलिसी कर करदे जद्वारा कि धान बिकवार लगे चाषी माने हजार हजार एकर से अंचल रे 19 कण मुजा ताकू सरकार विधि व्यवस्था करणवार व्यवस्था करूँ नहले चाषी माने बाध्य अंडर रेट रे बहुत क्षति चाषी माने सहबार के पड़वा। दुखर कथा आज्ञा जदि से ना हुए सरकार जदि से धान के जदि ना किण ताहले आज्ञा आम जे 632 प्लॉट रे जेन चाष करूचु से धान आम बिकमु केन वर्तमान स्थिति रे आज्ञा जे माने दलाल गुड़ाक अच्छा आज्ञा 1200 टंका रे धान क्विंटल मागुछ सेतिरे जदि आम धान देमु आज्ञा आम धान फायदा पाइबार बदल रे घररु आमको भरा लागुछ तो आगामी दिन रे सरकार को निवेदन अछे जे प्रशासनिक तरफ रु सरकार से आमर धान को किणबार लागि व्यवस्था करू। अनेबडे मालकानगिरी जिल्ला रे अदिनिया वर्षा रे नष्ट होईछि एकर एकर धान फसल। बड़ डुराल पंचायत पासी धार करस करी धान फसल करथिले मात्र अदिनिया वर्षा उजड़ी देला चासी खेत। आमर जमी सब उबड़ी गला आमर बेस सुविधा हे गलु आमर आरएक मिसा फोन करले मिसा आरए आसु नै कि तहसीलदार आसु नै कि आमर एमएल भी आसु नै कि के मसे पचास नै आमर बहुत गरीब लोक आमर 15 लोक आमर घर परिवार मोटा सब 12 एकरा जमी बुड़ी गला दौड़ी बाड़ी मांगी आती थाती पैसा पत्र मांगी करी काम भूति लगाई करी लेबर लगाई करी काम करू थिलु एले काटला धन के सब जक धारी गले केनते हम बस मामी तने सरकार मन तने सहायता को लेका हे सहायता न कोला न केनती मर जु केनती। चासी मुंडरे चड़क टोकन समस्या जको क्योंकी बिक्री न हुई खड़े पड़ी सुनार फसल तो अन्य क्योंकि अदिनिया वर्षा उजाड़ी चाषी परिश्रम।
पिपिलीरु दुर्गा माधव परिडा, झारसुडारु सुरेन्द्र पारिक और चित्रकोणारु जगन्नाथ दळेइंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। हटुनी सस्पेंस एबे भी अनिश्चितता भितरे युक्त दुई बोर्ड परीक्षा सारा देशरे केंद्र सरकारंक पक्षरु सीबीएसई द्वादश बोर्ड परीक्षा बातिल कराजिबा परे एबे ओडिशा बोर्ड तथा सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त दुई वार्षिक बोर्ड परीक्षा उपरे सभीक नजर रहिछि। आशा आशंकारे अछंती छात्र छात्री एवं अभिभावक। बातिल हेबो ना परीक्षा हेबो, परीक्षा नहले कौन रही विकल्प व्यवस्था, एपरी दोछकरे रही उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएसई द्वारा परिचालित युक्त दुई द्वितीय वर्षर परीक्षा। सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा बातिल हेबा परठारु सीएचएसई बोर्ड परीक्षा को नहीं राज्य गणशिक्षा विभाग पक्षरु घन घन बैठक बसिबा परे मध्य एजावत कौनसी निर्जास बाहरी पारु नाही। परीक्षा प्रसंगे विभाग किंबा परिषद पक्षरु किछि स्पष्ट करा जाय नाही, जहाँ आशंकर अच्छा छात्र छात्री एवं अभिभावक। दुई दिन है सीबीएसई बोर्ड कैनसल हो सरकार सीएचएसई परीक्षार कौन सी निष्पत्ति शुणी ना तो आम परीक्षाटा करवा दरकार, डेरी हो पचे आम परीक्षाटा करागले आम भविष्य उपरे भल प्रभाव पड़ो कहीं आम भविष्य कथा उठू तो परीक्षाटा निहाती करवा दरकार। सीबीएसई पर सीएचएसई परीक्षाटा बातिल जदि कराए तो मेधावी छात्र छात्री मान बहुत प्रभाव पड़े, उच्च शिक्षा निमित्त ये हईराण हे जो परिमाणर से माने पाठ पढ़ी परिश्रम करी तेणुक से माने आशानुरूप फल पाइबे, तेणु मो मत सरकार को एतिके अनुरोध करुछि ऑब्जेक्टिव टाइप हो ओएमआर हो जहाँ भी हो किंतु परीक्षाटा पराजिबार निहाती दरकार। सरकार तथा विभाग निष्पत्ति को एबे 3.5 लाख छात्र छात्री चातक भली चाहि बसिछन्ति। परिषदर पूर्वतन उपपरीक्षा नियंत्रक और शिक्षाविद मतरे आउ किछि दिन अपेक्षा करी विकल्प भावे परीक्षा करा जाउ, कारण सीबीएसई और आईसीएसई भली सीएचएसई छात्र छात्री समकक्ष नुहंति, कारण अधिकांश जूनियर कॉलेज रे एकादश वार्षिक और षाणमासिक परीक्षा मध्य होई नहीं, तेणु परीक्षा बातिल करी मूल्यायन और फलाफल मापदंड को मापिबा कष्टकर हेबो। ओडिशा रो सरकार केन्द्र रो निष्पत्ति को अनुकरण नकरी निज दायित्व रे निष्पत्ति नेबे आ परीक्षा किछि दिन विलंब रे हेउ पछे परीक्षा प्लस टू रो करिवे आ ठीक करी करी सही जो डिग्री हेबो सही सर्टिफिकेट हेबो पिलांको पई तार उपयोगिता रहिबो। प्रथम थर पई नियम तयारी हबा पूर्वरु नियम अनुजाई मार्क दियाजियो बोली कहा गला, सबुबेले आगुरु नियम थाए आईन थाए ता अनुसार मार्क दिया जाए, ये एक अभूतपूर्व परिस्थिति हेछि एथिरे छात्र छात्री मान को मार्क देवा पई नियम की नियम तयारी करिवे। मो मतरे परीक्षा बातिल न हबा उचित, हुएत एक विकल्प परीक्षार व्यवस्था करा जाई पारे। एसबू भितरे युक्त दुई कला वाणिज्य विज्ञान और धंदामूलक विषय भाग्य भविष्य कौन हेबो ताकू अपेक्षा विकल्प उपाय कौन बड़ प्रश्न है। परीक्षा बातिल हेले केउ आधार छात्र छात्री को मार्क दिया किभली फल प्रकाश पाइब, उच्च शिक्षा नामलेखार कौन रहिबो मानदंड। भुवनेश्वर वीडियो जर्नलिस्ट संजीव महांती सतरूपा सामंतराय रिपोर्ट अर्गस न्यूज। वर्तमान बुलेटिन रे समय होइछि आउ एक ब्रेक रो। ब्रेक परे स्वागत। दिन को दिन करुण होइ पडुछि कोरोना परिस्थिति, कोरोना रे किए निजो बंधु परिजन को हराउछि तो किए आत्मीय को, एमिती अनेक परिवार मूलपोच कर देछि कोरोनार द्वितीय लहरी। एई महामारी रे अनेक शिशु बापा मा छेउंड होइ जाउछंती, सेमिती दुई अभागा शिशु हेउछंती झारसुगुड़ा ब्रजराज नगर ओपीएम कॉलोनी रो जाळा भाई भौणी। तबे जीवन युद्ध रे एका होइ जाइतिबा भाई भौणी को उद्धार करिछि चाइल्ड हेल्पलाइन। तबे जदि देखिबा एही भाई भौणी को भली अनेक शिशुंक अनाथ कर देछि कोरोना, तबे दुखर विषय एने सठिक तथ्य सरकारक पाखरे नाही। छुआ मन दुख देखना समस्त मन टे दुख अच्छे ये तो समस्त आसपा समस्त यहाँ चाहते कि माँ बापा ना टे भरसे पढ़ाब खाना पीना से जी माँ बुआ को याद नहीं करते। चाइल्ड लाइन अधिकारी ज्वाला भाई भोनी
ଅଶ୍ରୁଳା ଆଖିରେ ବିଦାୟ ଦେଉଛନ୍ତି କଲୋନୀବାସୀ। କିଏ କହୁଛି ବାବୁରେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବୁନି ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ। ଏମିତି ନାନା ନୀତିବାଣୀ ଦେଇ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର। କିଛିଦିନ ତଳେ ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ମା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ବିଧିର ବିଧାନ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଗତ 23 ତାରିଖ ଦିନ ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ମହିଳା ଜଣକ। ଏହା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କ ଦୁଃଖ। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ। କରୋନା ସମୟ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଧ୍ୟ ସହାୟତାର ବିଶେଷ ହାତ ବଢ଼ାଇ ପାରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଓପିଏମ୍ କଲୋନୀର B91 କ୍ୱାର୍ଟରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଶିଶୁ ଦୁଇ ଜଣ। ତେବେ ଏନେଇ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଜାଆଁଳା ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଛୁଆର ମା ହେଲାନ ବିଗତ 12 ଦିନ 13 ଦିନ ହେଇଗଲାନ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାନ। ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ତାର ବାପା 2 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ତାର ମାନେ କେହି ନାଇଁ ନ। ଏନ ଆମ ଆସପଡ଼ୋଶୀ ସମସ୍ତେ ତାକେ ଦେଖଭାଲ କରୁଥିଲୁ, ଖାଇବାକେ ଦେଉଥିଲୁ। କାଲି ମାନେ ବହୁତ ହି ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯିବାରୁ ରାତି ସାରା ଲାଇଟ୍ ନି ଥାଇ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଏଡିଏମ୍ କେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସରକାର ତରଫରୁ ଯାହା ବି ସୁବିଧା ମିଳୁଛେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ମିଳିପାରବା ସେଟା ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରୁ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରହିକି ରେଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏପଟେ ଟେଲି ଯାଏ, ସେ ଛୁଆମାନେ ବି ଆଣ୍ଟି ଯାଉଛ ସ୍କୁଲ ବି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ, ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ଏଡିଏମ୍ କାମ କରେ, ଚଗଲା ହୁଅନ୍ତି ବୁଝାଏ। ବଞ୍ଚିଥିଲେ ବେଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେଉଥାଏ, କେନେ ବି କାମ କରିକିନା ସେ ପୁଛୁଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲେ ଛୁଆମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନିପାରନା କହୁଛୁ। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ତମ ଭରସାରେ ଛାଡ଼ିଲୁ, ତୁମର ଦୟାରୁ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଶୁଣା ସବୁ ଠିକ କରିବ। ଜାତୀୟ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସଂରକ୍ଷଣ ଆୟୋଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 9,346 ଜଣ ଶିଶୁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟରୁ 1,742 ଜଣ ଉଭୟ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ 7,464 ଜଣ ବାପା କିମ୍ବା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର 24 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 24ରେ ସୀମିତ କି? କାରଣ ଏହି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଶିଶୁ ଏହି ମହାମାରୀରେ ଅନାଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆମର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଯାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା, ଆଉ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପରେ ଆମେ ଥାନାରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ଶିଶୁମାନଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଖୁସିର କଥା ବି ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଦ୍ୱୟର କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା। ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ଯେଉଁ ମୁକ୍ତାଶ୍ରୟ ଅଛି ସେଠାରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ରଖିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ଓପନ୍ ସେଲ୍ଟର ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରିଛୁ, ଏବଂ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତାରେ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତାର ତଦାରଖରେ ରଖିବ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ସମିତି ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବ। କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ମହାମାରୀରେ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ତେବେ ବୁଲେଟିନକୁ ସାରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଭାରତକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ। କୋଭିଡ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ଆର୍ଥିକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ କାମ କରିବା ନେଇ କଲେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଇ କମ୍ପାନୀ ସହ ଚୁକ୍ତି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। 30 କୋଟି ଟିକା ଅଗ୍ରିମ ଦେବେ, 1500 କୋଟି ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ସ୍ୱଦେଶୀ ଟିକା। ଭର୍ଚୁଆଲ ଆଲୋଚନାରେ ହଠାତ୍ ପିଏମ୍ଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଉଭୟ ଛାତ୍ର ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କଲେ ଆଲୋଚନା। ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରଜରେ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା।
कौन हेब युक्त दुई परीक्षार्थी भाग्य। सीबीएसई द्वादश परीक्षा बातिल परे एबे राज्य सरकारों पर नजर। परीक्षा नहले कौन रही विकल्प, केमिति बाहर फलाफल, होइनी इंटरनल परीक्षा, आशा और आकांक्षा छात्र छात्री और अभिभावक। कोरोना बेले करुण कहानी, राज्य में अनाथ होती शिशु। झारसुगुड़ा ब्रजराज नगर में बापा मां छेउंद हेले जाणा भाई भूनी। सेपटे सरकार को पाखरे नाही सठिक तथ्य। आसुची मौसुमी कांदुची चासी, टोकन टेंशन और कटनी छटनी जोगु शिकार होउची चासी। सेपटे अदिनिया बर्षार उजुड़ी चासी परिश्रम, राज्य में विभिन्न स्थानों आसला समान दृश्य। एवं महिला सशक्तिकरण पाई उदाहरण, गाँ बहु मोनालिसा भद्रा अदम्य साहस, चलाउछंती दस चकिया गाड़ी, करुछंती घोड़ा सवारी, पशु पक्षी होउछंती भल पाइबा, यूट्यूब रे मन जितुछंती मोनालिसा। वर्तमान मॉर्निंग बुलेटिन रे समय सरिछि, विदाय दियंतु, नमस्कार।